तो आई गेस आज की वीडियो बात, अगर आपके पास भी कोटक बैंक का डेबिट कार्ड है तो उसका जो पिन है कैसे रीसेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कहीं भी आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किसी भी बैंक के एटीएम में जाना पड़ेगा, तो घर बैठे आप उस पिन को चेंज एंड रीसेट कर सकते हो। तो वीडियो को इंतजार जरूर देखें ताकि कोई भी पार्ट मिस ना करें, एंड वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले आपको अपना जो कोटक बैंक का एप्लीकेशन ओपन करना है, जैसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आ जाना है एंड उसके बाद आपको जाएंगे सर्विस रिक्वेस्ट में, सर्विस रिक्वेस्ट में चले जाना। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, डेबिट कार्ड, एक्सपीरियंस कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो सिंपल आपको डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे डेबिट कार्ड वाले क्लिक करेंगे तो इसके आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगी, जहाँ पे अप्लाई डेबिट कार्ड एंड अपग्रेड डेबिट कार्ड का ऑप्शन खुलता है। फिर इमेज डेबिट कार्ड, मतलब आप अपने डेबिट कार्ड पे अपना खुद का फोटो प्रिंट करा सकते हो। तो डेबिट कार्ड क्रिएटर बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, तो सिंपल से आपको रीजनरेट डेबिट कार्ड पिन पे क्लिक करना है। तो जैसे रीजनरेट डेबिट कार्ड पिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो डेबिट कार्ड नंबर ऊपर दिख जाता है, उसके बाद आपको जो भी पिन बनाना है इस तरह का आपको अपने पिन सेट कर लेना है। फिर आपको सबमिट का ऑप्शन मिलता है, जैसे सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका जो डेबिट कार्ड का पिन है सक्सेसफुली सेट हो जाएगा।